तो हाँ भाई, आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Realme के 9 Pro स्मार्टफोन एंड Redmi के Note 10s स्मार्टफोन को। जानेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो Realme 9 Pro में आपको मिलता है 6.6 इंचेस का डिस्प्ले एंड Redmi Note 10s में मिलता है आपको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले। Realme में आपको आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एंड Redmi में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो Redmi Note 10s की डिस्प्ले आपको अच्छी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो Realme 9 Pro में आपको मिलता है Snapdragon का 695 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि Redmi Note 10s में मिलता है आपको MediaTek का 95 प्रोसेसर देखने को मिलता है। Realme में आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड Redmi Note 10s में आपको 4G प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको बेस्ट गेमिंग देखने को मिलती है। GPU की बात करते हैं तो आपको Realme में का Adreno का 619 GPU देखने को मिलता है और Redmi Note 10s में मिलता है आपको Mali का G76 Pro देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो Realme 9 Pro में आपको GPU एंड गेमिंग बेस्ट देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरे की बात करते हैं तो आपको Realme में बैक साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल का, जबकि आपको Redmi Note 10s में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे की। तो Realme में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है एंड Redmi Note 10s में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन से आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन में कैमरा आपको बेस्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में। Realme में आपको मिलता है 2 रैम वेरिएंट 6GB एंड 8GB एंड Redmi Note 10s में मिलता है आपको 3 रैम वेरिएंट 4GB, 6GB एंड 8GB। दोनों स्मार्टफोन में आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग 33 वॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी के मामले में दोनों में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में। दोनों में आपको वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.1 का NFC सपोर्ट भी मिल जाता है आपको एंड 3.5 mm जैक भी आपको दोनों में मिल जाता है। Realme में आपको Android 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और Realme UI 3.0 एंड Redmi Note 10s में मिलता है आपको Android 11 का सपोर्ट MIUI 12.5 के साथ। अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। Realme के 6GB एंड 128GB के बेस्ट वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको ये 18,000 का देखने को मिलता है, लेकिन आपको Redmi Note 10s बेस वेरिएंट 6GB एंड 64GB 14,499 में आपको देखने को मिल जाता है। तो Realme 9 Pro की प्राइस आपको ओवर प्राइस देखने को मिलती है Redmi Note 10s के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों स्मार्टफोन में से Redmi Note 10s स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।